हाय, हेलो, नमस्ते. आज मैं आपको एक टॉपिक बोलने वाली हूँ जो कि पेशेंट प्रेगनेंसी में, जैसे ही प्रेगनेंसी होती है, हम लोग को पूछते हैं कि डॉक्टर, शतावरी कल्प क्या रहता है, शतावरी क्या रहती है, कब से स्टार्ट करना है, क्यों खाना है, किस चीज़ के लिए लेना है. बस उसके रिलेटेड मैं आपको बोलने वाली हूँ. अभी शतावरी क्या है कि एक वनस्पति है, आयुर्वेदिक डेरिवेटिव है, जो आयुर्वेदा में सबसे टॉप लिस्ट में वो आया है कि इट्स अ वेरी गुड प्रूवन मॉलिक्यूल फॉर इन द प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन. अभी इसका मेन क्या है कि मेनली प्रेगनेंसी में ये कब से स्टार्ट करना है. तो जनरली फोर्थ या फिफ्थ मंथ से आप प्रेगनेंसी में स्टार्ट कर सकते हैं. प्रेगनेंसी में शतावरी का एडवांटेज क्या है कि ये एज ए एंटी ऑक्सीडेंट प्लस एंटी इन्फ्लेमेटरी करके काम करता है. तो आपका शारीरिक और मानसिक संतुलन बैलेंस रखने के लिए शतावरी का बहुत हेल्प होता है. अभी उसका डोसेस मतलब कितना लेना है, आइडियली 2 या 3 स्पून मतलब टेबल स्पून लेना है आपको एक ग्लास दूध में. आप दिन में कभी भी ले सकते हैं ड्यूरिंग थ्रू आउट द सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर मतलब प्रेगनेंसी में. अभी उसका मेन एडवांटेज क्या है कि शतावरी का हेल्प होता है आपका लैक्टेशन बढ़ने के लिए. मतलब ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए हम लोग रूटीनली शतावरी बोलते हैं, जो कि मिल्क ग्लैंड जो रहते हैं ब्रेस्ट के, उनको एक्टिवेट करता है और मिल्क सिक्रेशन बढ़ता है. तो आप डिलीवरी के बाद जब आपका ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट होता है उस केस में आप शतावरी का डोज बढ़ा सकते हैं. जो हम लोगों ने दिन में एक बार बोला है प्रेगनेंसी में, उसको आप 2 या 3 बार भी ले सकते हैं. अगर आपको दूध कम आ रहा है तो उसका डोसेस भी आप बढ़ा सकते हैं. अभी साइड इफेक्ट एज सच शतावरी की कुछ भी नहीं है क्योंकि ये आयुर्वेदिक डेरिवेटिव है. सिर्फ एक है कि मोस्ट ऑफ दी शतावरी में शुगर रहता है. तो अगर आप डायबिटीज़ हो, पहले से अगर आप डायबिटीज़ हो या आपको प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज़ अगर डिटेक्ट हुआ है, तो शुगर फ्री शतावरी भी आ रहे हैं मार्केट में, तो आपको शुगर फ्री शतावरी यूज़ करना. थैंक यू. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो.